दोस्तों आज एक और खास विषय पर वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूं ग्राम प्रधान का चुनाव जीतने की 5 असरदार रणनीतियों के बारे में। और यकीन मानिए, ये जो रणनीतियां मैं बताने जा रहा हूं ये इतनी असरदार, इतनी कारगर है, यदि आपने सही ढंग से इन 5 रणनीतियों का इस्तेमाल किया आपके चुनाव जीतने की संभावना बहुत अधिक बढ़ सकती है, आपकी फिर में बहुत ज्यादा वोट आ सकते हैं, आप अपना समर्थन, अपना जनाधार बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं, और अगर आप चाहें तो पेन और पेपर लेकर के नोट भी कर सकते हैं। सबसे पहली रणनीति है मैन टू मैन मार्किंग की रणनीति। जी हां दोस्तों, एक एक व्यक्ति तक अपनी पहुंच बनानी पड़ेगी, और पहुंच भी कैसे बनानी है उसका तरीका बता रहा हूं। हर व्यक्ति के साथ, हर परिवार के साथ अपना कोई ना कोई संबंध जोड़िए, और यदि कोई संबंध नहीं मिल रहा है तो कोई संबंध पैदा करिए, कोई संबंध ढूंढने की कोशिश करिए। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि आपका कोई किसी परिवार का सदस्य आपके साथ स्कूल में कॉलेज में पढ़ता हो तो उसके साथ ये संबंध बन सकता है, आपके साथ ना पढ़ता हो सकता है आपके पिताजी के साथ पढ़ता हो सकता है आपकी माताजी के साथ आपके परिवार की कोई लड़की या कोई सहेली, या आपकी माताजी या कोई बहन या मौसी या कोई भी लेडी उनके साथ पढ़ती हो सकता है आपके दादाजी और किसी व्यक्ति के दादाजी के आपस में दोस्त रहे हो, उनके आपस में बीच में कोई संबंध रहा हो, एक दूसरे की कोई मदद की हो, कोई किसी तरह की रिश्तेदारी रही हो, कोई कहीं से दूर तक भी कोई जान पहचान हो, वो जान पहचान ढूंढ करके उस जान पहचान का इस्तेमाल करने की कोशिश करिए, हर व्यक्ति से कोई ना कोई संबंध स्थापित करिए। अब हो सकता है कि आपका संबंध ना हो तो अपनी टीम के लोगों में, आपके जो टीम में लोग होंगे वो लोग, उनके संबंध ढूंढिए, आपका कोई यार हो, रिश्तेदार हो, कोई दोस्त हो, कोई पड़ोसी हो, उसकी जान पहचान में कोई हो, कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसकी बेटी किसी गांव में ब्याही और वहां गांव में आपके संबंध हो, कोई लड़की जो आपके गांव में ब्याह करके आई हो, जहां से ब्याह करके आई हो वहां आपके कोई संबंध मिलते हो तो उनसे दबाव डालने की कोशिश करवाइए। इस तरह से एक एक वोट, एक एक वोट पर फोकस करना, इसको मैन टू मैन मार्किंग बोलते हैं। और आप करें या ना करें, मैक्सिमम लोग कर रहे होंगे, तो यदि आप भी करेंगे तो इससे आपको लाभ मिलेगा। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, एक एक वोट को आइडेंटिफाई करना और हर परिवार के साथ, हर व्यक्ति के साथ, हर वोटर के साथ अपना कोई ना कोई संबंध स्थापित करना, कोई ना कोई संबंध बनाना, संबंध ढूंढना, और फिर उस संबंध के आधार पर उसका समर्थन प्राप्त करने की कोशिश करना। यह पहली रणनीति है। दूसरी रणनीति है, किसी भी चुनाव में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो होती है पर्चा, चर्चा और खर्चा। पर्चा मतलब नॉमिनेशन आपने भर दिया होगा या भरने वाले होंगे। चर्चा, आपकी बार बार चर्चा होनी चाहिए, कुछ भी ऐसा करिए जो आप चर्चा में रहें। चर्चा में बने रहने के लिए यदि थोड़ा बहुत कुछ उल जलूल करना पड़े, कुछ ऐसा भी करना पड़े जो ज्यादा अच्छा ना लगे, या कोई ऐसा भी करना पड़े जिससे कि आपकी छवि पर थोड़ा बहुत आक्षेप भी लगता हो तो चलेगा, जिससे कि ज्यादा नेगेटिव चर्चा नहीं होनी चाहिए, लेकिन चर्चा होती रहनी चाहिए, क्योंकि अमूमन चुनाव वही जीतता है जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही होती है। चाहे आपके विरोधी हो या आपके समर्थक हो, हर जगह केवल चर्चा आपकी होनी चाहिए, और जब चर्चा आपकी होगी तो चुनाव जीतने की संभावना भी ज्यादा होगी। और चर्चा के साथ साथ क्या ध्यान रखना है, खर्चा। जी हाँ, कुछ जरूरी खर्चे होते हैं, इन खर्चों को जरूर करना है। चुनाव में वैसे तो आपको पता है क्या जरूरी खर्चे हैं, कहाँ पैसा खर्च करना है, कहाँ नहीं करना है, लेकिन कहीं भी कंजूसी नहीं करनी है। जो जरूरी खर्चा हो और जहां लगे कि पैसा खर्च करना आवश्यक है, जरूरी है, वहां पैसा खर्च करिए। इस समय आपका उद्देश्य चुनाव जीतना होना चाहिए, ना कि ये देखना कि पैसा कहां जा रहा है, कितना जा रहा है। थोड़ा बहुत ज्यादा जाएगा, थोड़ा बहुत हो सकता है कोई चीटिंग करेगा, कोई बेईमानी करेगा, हो सकता है जितना पैसा देंगे उतना काम शायद उतना नहीं करेगा, तो 10-20-25-30% तक का बेईमानी का भी किसी को अवसर मिलता हो तो दीजिए। पैसा खर्च करने से चूकिए मत, क्योंकि पर्चा, चर्चा और खर्चा तीनों चुनाव जीतने के लिए बहुत महत्वपूर्ण अंग होते हैं। चर्चा रेगुलर होती रहनी चाहिए, हर जगह जहां भी लोग बैठे आपकी चर्चा हो, और आपका खर्चा थोड़ा बहुत हर जगह होता रहना चाहिए। खर्चे से पीछे मत हटिएगा, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए जो पैसा लगाया होगा, यदि आप चुनाव हार गए तो सारा पैसा वेस्ट हो जाएगा, और यदि थोड़ा बहुत पैसा एक्स्ट्रा लग करके चुनाव जीतने की संभावना ज्यादा हो सकती हो, जहां लग सकता हो कि थोड़े ज्यादा वोट मिल सकते हैं, वहां खर्चे से पीछे नहीं हटना। तीसरी रणनीति, हमारे हर वोटर पे हमें फोकस करना है, लेकिन जो खास वोटर हैं जिन पे हमें फोकस करना है, जो खास टीमें हमें तैयार करनी है, वो युवाओं की टीम है और महिलाओं की टीम है। महिलाओं और युवाओं के वोट को आप अपनी फिर में ला सकते हैं। इन दोनों के लिए पैरेलली अलग अलग टीमें, मजबूत टीमें बनाइए। और यदि महिला उम्मीदवार है तो महिला टीम बनेगी ही, यदि पुरुष उम्मीदवार भी है तो भी महिला टीम अलग से बनेगी, और महिलाओं के वोट को इन्फ्लुएंस करने का काम महिलाएं ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकती हैं। और खासकर से युवाओं और महिलाओं का वोट बिकता नहीं है,
हो सकता है जो बुजुर्ग लोग हों, जो पुराने लोग हों, वो अपने संबंधों के आधार पर किसी को वोट करते हों या अपनी दुश्मनी के आधार पर किसी को वोट ना करते हों, लेकिन युवाओं के साथ ऐसा नहीं होने वाला है, महिलाओं के साथ ऐसा नहीं होने वाला है। यदि आप महिलाओं के वोटर को वोट्स को इन्फ्लुएंस कर पाए, यदि आप युवाओं के वोट्स को अपनी फिर में ला पाए, तो यकीन मानिए आपकी जीत की संभावना औरों से ज़्यादा होगी। और बहुत सारे उम्मीदवार महिलाओं के वोट पर ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं ग्राम सभा में, उन लगता है जहाँ पुरुष बोलेगा वहीं महिला वोट कर देगी। आज भी ऐसा है कई गांवों में, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसा नहीं भी है। कहीं पर ऐसा भी होता है कि परिवार के इतर जाकर के भी महिलाएं वोट करती हैं, बशर्ते कि उन्हें लगे कि कोई महिला है या कोई ऐसी महिला है जिसके ऊपर हमें कोई एहसान करना है, जिसकी हमें बात माननी है, हमारी सहेली है या हमारी नोन है या जिस पर हमें एहसान करना है। तो कई बार आपकी महिला टीम की वजह से कुछ वोट 10, 20, 50 वोट आप इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, और यदि 10, 20, 50 वोट इन्फ्लुएंस किए ग्राम सभा में तो ये बहुत बड़ा अंतर पैदा कर सकता है। ऐसे जैसे मैंने कहा, युवाओं का वोट, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, जो भी 18 वर्ष के हुए नए वोटर्स हैं, इन नए वोटर्स को आइडेंटिफाई करना और इन नए वोटर्स पर फोकस करना, इनके लिए युवाओं की टीम बनाइए, पैरेलल मजबूत टीम बनानी है युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, और यकीन मानिए ये रणनीति बहुत कारगर होती है। इससे आपके चुनाव जीतने की संभावना, आपकी फेवर में वोट परसेंटेज की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। बहुत सारे लोगों ने जब इस रणनीति को यूज किया तो उन्हें इसका फायदा मिला, इससे उनका वोट शेयर बढ़ा है। चौथी रणनीति जिसका आपने बहुत ज्यादा उपयोग करना है, और ये रणनीति भी बहुत काम आने वाली है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, बूथ जीता तो चुनाव जीता, यानी हमारा फोकस एक एक बूथ पर होना चाहिए। अमूमन 800, 900, 1000 वोट पर एक बूथ होता है, और एक बूथ पर 10 लोगों की टीम बनानी है। मजबूत 10 लोग ढूंढिए जो 10 के 10 पिलर होंगे उस बूथ के लिए, और फिर क्या करिए, उन 10 लोगों को जिम्मेदारी दीजिए हर व्यक्ति को 10-10 वोट की। अब अगर 10 लोग 10-10 वोट डलवाते हैं तो बूथ पर 100 वोट आपके होते हैं, और उन्हें कहिए वो जिस व्यक्ति को जिम्मेदारी दे रहे हैं वो कम से कम 10-10 वोट की जिम्मेदारी आगे ले ले, तो इस तरह से पूरे बूथ पर 1000-1000 वोट की जिम्मेदारी मिल गई। अब यानी कि यदि 20% लोगों ने भी काम बढ़िया कर दिया तो 200-250 वोट आपको एक बूथ पर मिल जाएंगे, और यदि 1000 वोट होते हैं, पोलिंग होगा 1000 में से मैक्सिमम 500-600-700, उसमें से 200-250 वोट आपको मिलते हैं तो आपको बूथ जीता, और यदि बूथ जीता तो चुनाव जीता। हो सकता है कहीं पर समीकरण ऐसे हो कि किसी बूथ पर आपको ज्यादा वोट मिल रहे हो, किसी बूथ पर कम वोट मिल रहे हो, तो जिस बूथ पर ज्यादा वोट मिल रहे हैं उस पर और ज्यादा मेहनत करिए, जिस बूथ पर कम वोट मिल रहे हैं वहां पर केवल 10 लोगों की टीम बनाइए, लेकिन जहां पर ज्यादा वोट मिल रहे हो वहां 20 लोगों की, 25 लोगों की, 30 लोगों की, जितनी ज्यादा बड़ी से बड़ी टीम बना सकते हैं उतनी बड़ी टीम बनाइए, और देखिएगा इससे अंतर पैदा होगा। हम क्या करते हैं, हमारा फोकस वहां ज्यादा हो जाता है जहां से हमें वोट नहीं मिल रहे होते, बजाय कि हमारा फोकस वहां होना चाहिए जहां से हमें वोट ज्यादा मिल सकते हैं। और यदि हम ज्यादा वाले वोट में ज्यादा वोट परसेंटेज बढ़ा लेते हैं, मान लीजिए किसी बूथ पर हमें 60% वोट मिलने थे, वहां हमने 80% लीड ले ली, और दूसरे बूथ पर जहां हमें 20% वोट मिलने थे वहां हमारे 15 भी रह गए, तो भी हमारी जीत निश्चित हो जाएगी, क्योंकि हमने बूथ जीता है। क्योंकि बूथ जीता तो चुनाव जीता, यानी हमारा सारा फोकस एक एक बूथ को जीतने पर होना चाहिए। बूथ जीतने की रणनीति बहुत कारगर रणनीति होती है हर चुनाव में, ग्राम सभा के चुनाव में भी, बीडीसी मेंबर में भी, चेयरमैन में भी, जिला पंचायत सदस्य में भी, एमएलए एमपी में भी, बूथ जीता तो चुनाव जीता, इस रणनीति को दिमाग में रखिए। पांचवी और आखिरी चीज, आखिरी रणनीति, और यह भी बहुत कारगर रणनीति है। हो सकता है आपके यहाँ पर जातिगत समीकरण हो सकता है धार्मिक समीकरण होंगे, ग्राम सभा में अक्सर ये समीकरण होते हैं, आपने अपने जाति धर्म के लोगों के लिए तो अपील करनी है, काम करना ही है, दूसरे जाति धर्म के वोटों के लिए भी काम करना है, और दो स्तर पर काम करना है। अपनी जाति धर्म के फेवर के लोग संगठित होने चाहिए, आपकी फेवर में ज्यादा से ज्यादा वोट पड़ने चाहिए, और जो दूसरी जाति धर्म के लोग हैं, वोट हैं, वो टूटने चाहिए। जितना ज्यादा उनके अंदर ब्रेकअप होगा उतना आपको बेनिफिट मिलेगा, जितना ज्यादा डिवाइड होगा उतना आपको फायदा होगा। उसके लिए चाहे कोई डमी कैंडिडेट खड़ा करना पड़े तो डमी कैंडिडेट खड़ा करिए यदि समय हो, यदि डमी कैंडिडेट खड़ा करने का समय नहीं है तो उनमें कैसे फूट डाली जा सकती है, कैसे उनके वोट को इधर उधर बांटा जा सकता है, अपने वोटों को संगठित करना और दूसरे के वोट में सेंधमारी करके उनको तोड़ना, ये बहुत कारगर रणनीति होती है। यदि आप ये ढंग से कर पाए तो यकीन मानिए आपके चुनाव जीतने की संभावना बहुत अधिक होगी, और कोई ताकत ऐसी नहीं जो आपको चुनाव हरा सके। मैंने कोशिश की है पांचों वो रणनीतियां बताने की जो किसी भी चुनाव को जीतने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं, और खासकर से ग्राम स्तर के चुनाव में। और मैं उम्मीद करता हूं यदि इन पांचों रणनीतियों का आपने सटीक तरीके से इस्तेमाल किया तो आपके चुनाव जीतने की संभावना और से अधिक होगी, और आप बहुत अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतेंगे।
इसके अलावा भी और रणनीतियां होती हैं, कभी जरूरत पड़ेगी तो उन पर भी बात करेंगे। कई और वीडियोस भी मैंने डाली हुई हैं, उनको भी फॉलो कर सकते हैं। कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, कुछ पूछना चाहें तो डायरेक्ट मुझसे 1-to-1 बातचीत कर सकते हैं। 2-4-5 मिनट बात करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट बात करिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, डायरेक्ट मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कुछ और जानना चाहें, कुछ और डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मेरी टीम रिवर्ट करेगी, मैं भी रिवर्ट करूंगा। आज के लिए इतना ही, आगे किसी और विषय पर बात करेंगे। आपके उज्ज्वल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।